दोस्तों, अगर आप एक डिसेंट माइलेज देने वाला और एक बहुत ही स्पोर्ट्स बाइक की लुक देने वाला बाइक लेना चाहते हैं इंडियन मार्केट में आज के डेट में, तो आप लोगों के लिए KTM RC125 एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, जब ये बाइक पहली बार आया था तब मैंने इसका जो व्हाइट कलर है उसका रिव्यू किया था, और आज मैं आप लोगों को इसका जो ऑरेंज कलर है जो कि KTM का थीम कलर है उसका एक वॉकअराउंड डिटेल रिव्यू दूंगा, और इसका जो मुझे नेगेटिव्स लगा है वो भी मैं आपको वीडियो की एंड में बताऊंगा कि क्या कुछ इसमें नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स मुझे पर्सनली लगता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल में है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के हमेशा हमारे जो डेली कंटेंट्स है उससे नोटिफाइड रहिए। तो दोस्तों, ये जो KTM RC125 है ये बिल्कुल ही KTM ड्यूक 125 जैसा ही है। मैकेनिकली दोनों ही सेम है, लेकिन RC बाइक्स में जैसे कि इसमें स्पोर्टी अपील दिया जाता है वही इसमें लगाकर दिया गया है, और एक स्पोर्टी लुकिंग सीट, इसका जो फेयरिंग है और फ्रंट बायस सीटिंग पोजिशन और कम्प्लीटली एक स्पोर्ट्स लुक के साथ, रेसिंग लुक के साथ ये बाइक दिया गया है। अब दोस्तों, इसमें आपको मैं बता दूं कि सिंगल चैनल ABS विथ RLP मिलता है, मतलब कि सिर्फ आपको फ्रंट ब्रेक में ही ABS देखने को मिलेगा, और पीछे की तरफ आपको RLP यानी कि रियर व्हील लिफ्ट ऑफ सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि अनअवॉइडेबल जो एक्सीडेंटल जो स्टॉपी होते हैं उससे बचा देता है। फ्रंट में आप देख सकते हैं ये ABS की सेंसर प्लेट्स है, और पीछे आपको RLP की सेंसर प्लेट्स मिलेंगे। अब बहुत लोगों का गलत फहमी है कि पीछे भी ABS है, लेकिन ये ABS नहीं, ये RLP सेंसर है। अब दोस्तों, इसको छोड़ के अगर हम देखें तो कम्प्लीटली बाइक वही है जो कि आपको RC और ड्यूक के बाइक से मिलते हैं, वही इसके सस्पेंशन, टायर्स, फ्रेम, शैसी, या फिर अगर आप इसके चेन स्प्रॉकेट की बात करें वही इसमें दिया गया है, और बहुत ही एक किलर लुक के साथ आता है। अगर हम फ्रंट से देखें दोस्तों, तो फ्रंट में आपको यहाँ पे LED DRLs दिया हुआ ट्विन प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। LED DRLs जो है काफ़ी, ये मैं कहूँगा, खतरनाक दिखता है, और ये जो दो लाइट्स यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट्स, ये शैतान की आंख जैसा दिखता है, यानी कि डेविल साइज। ऊपर एक बहुत बढ़िया विंडशील्ड दिया गया है जो कि काफ़ी हद तक विंड ब्लास्ट को प्रोटेक्ट कर देता है, और इसमें फेयरिंग के साथ साथ ही जो है इंटीग्रेटेड मिरर्स मिलता है जिसके ऊपर आपको LED में इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे LEDs यूज़ हुआ है कंप्लीट इस बाइक में, और ये जो इंडिकेटर्स है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया LEDs है, और ये जो मिरर्स है ये फुल्ली अलॉय फिनिश्ड मिरर्स है। हैंडल बार आपको 3-piece क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार्स मिल जाएगा विद बैकलिट स्विच गियर, और आपको इसमें काफ़ी झुक के एक स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो मीटर है इसके बारे में, मीटर ऐसा ही है कि बहुत कुछ इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, जो भी कुछ नॉर्मली दिखता है उसके अलावा आपको इसमें गियर पोजिशन इंडिकेटर, क्लॉक, टेम्परेचर इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, एवरेज स्पीड, एवरेज माइलेज, इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंट माइलेज, फ्यूल रेंज, और इसके साथ साथ इंजन मैलफंक्शन लाइट, ABS इंडिकेटर और साइड स्टैंड इंडिकेटर जैसे इंडिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ फ्यूल इंडिकेशन, RPM लिमिट इंडिकेटर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कुल मिला के ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको इस मीटर में देखने को नहीं मिलेगा, तो फुल्ली इक्विप्ड है, लेकिन लुक थोड़ा सा अलग हो सकता था क्योंकि 2012 से लेकर आज तक यही लुक चलता आया है। अगर टैंक को देखें दोस्तों, तो टैंक यहाँ पे 9.5 लीटर्स का मस्कुलर टैंक दिया गया है, और सीट जो है, वैसे तो पीछे की जो सीट है ये बस नाम का ही है, आप किसी को वैसे यहाँ पे बिठा नहीं सकते, और पीछे आपको KTM की ब्रांडिंग मिलेगा। राइडर सीट जो है ये काफ़ी अच्छी कुशन के साथ बना हुआ है, और स्प्लिट टाइप सीट यहाँ पे दिया गया है। राइडर के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पेसिंग है, और KTM की जो RC ब्रांडिंग आप देख रहे हैं वो सीट टैंक के ऊपर देखने को मिलेगा। वैसे पीछे की सीट में किसी को बिठाने का कोशिश भी मत कीजिए क्योंकि एक्सीडेंट का चांसेस रहता है, ये मैं पर्सनली कहूँगा। वैसे सीट बस नाम का है, और पीछे का जो टेल सेक्शन है वहाँ पे भी LEDs यूज़ किया गया है इंडिकेटर्स और बैक लैम्प में। दोस्तों, यहाँ पे जो इंजन है ये एक सिंगल सिलेंडर 4-valve लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड 124.7 cc का इंजन है, और इसमें जो पावर दिया गया है ये 14.5 PS है, और जो टॉर्क है ये है 12 Nm, और इसमें 6 gear दिए गए हैं। दोस्तों, ये फुल्ली पाउडर कोटेड स्टील ट्रेलिस फ्रेम है जो कि ज़्यादातर स्पोर्ट्स बाइक में और हायर कैपेसिटी रेसिंग बाइक्स में आता है, और इसके साथ साथ इसमें एक्स रिंग चेन जो कि नॉर्मल ओरिंग चेन से ज़्यादा पावरफुल है, उस एक्स रिंग चेन का यूज़ किया गया है। अब ये जो इंजन है, जैसे कि RC बाइक्स और ड्यूक बाइक्स अपने पिकअप और पावर और पंच के लिए जाना जाता है, वही इंजन इसमें लगाया गया है। अब तो हालांकि जो इसके जो फिगर्स है, पावर और टॉर्क फिगर्स, वो मुझे थोड़ा सा अपने लुक्स के हिसाब से कम लगा है।
दोस्तों अगर हम फ्रंट के सस्पेंशन को देखें तो सामने आपको अपसाइड डाउन 43mm के WP जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड है उसका सस्पेंशन देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको मिलेगा 300mm 4 पिस्टन कैलिपर वाला डिस्क ब्रेक विथ ABS और जो टायर है फ्रंट की तरफ और रियर की तरफ दोनों ही 17 इंच के MRF रेवजी के रेडियल टायर्स दिए गए हैं। फ्रंट में आपको 110x70 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है। अब रेडियल टायर्स है इसीलिए आपको हायर स्पीड में जो स्टेबिलिटी है वो बेहतर मिलेगा और हायर स्पीड भी आप ज़्यादा अचीव कर पाएंगे दूसरे बाइक्स के मुकाबले। MRF रेवजी एक बहुत ही अच्छी तरह का रेडियल टायर्स बनाता है। पीछे आपको मिलेगा 150x60 साइज का MRF रेवजी का ही रेडियल टायर और ये भी 17 इंचेस का है। पीछे आपको 230mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है RLP सेंसर के साथ साथ। अब देख सकते हैं यहाँ पे 150x60 साइज का ये टायर है। पीछे आपको एक टायर हगर मिल जाएगा मड स्प्लैशेस से रोकने के लिए और पीछे की जो सस्पेंशन है ये भी WP की तरफ से ही है और ये 10 टाइम्स फुल्ली रेस ट्यून्ड मोनो सस्पेंशन पीछे की तरफ दिया गया है। और दोस्तों ये जो बाइक है ये बिल्कुल ही एक रेसिंग टाइप बाइक है तो ज़्यादातर मैं आपको कहूँगा कि सिटी के अंदर और हाईवेज के में ही आप इसको चलाएं, ऑफ रोड्स पर मत लेके जाइए क्योंकि ये जो बाइक है RC बाइक्स ऑफ रोड्स के लिए कभी बना नहीं होता है। अब दोस्तों इसमें फ्रंट और रियर दोनों में ही लेफ्ट और राइट मिला के कंबाइन करके ब्रेकिंग डिस्क का जो प्लेसमेंट है वो दिया गया है ताकि आपको क्रॉस ब्रेकिंग में सुविधा मिल सके और ब्रेकिंग के वक्त आपको स्टेबिलिटी और बैलेंस अच्छी तरह से मिल जाए। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे 157mm का डिसेंट दिया गया है और जो सीट हाइट है ये 835mm है जो कि 5'6" के नीचे वाले राइडर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ज़्यादातर टॉलर राइडर्स के लिए ही ये बाइक ज़्यादा सूटेबल है। वेट है ये इसका 154 kgs और जो माइलेज यहाँ पे मिलेगा दोस्तों वो लगभग आपको 40 से लेकर 45 kmpl तक मिलेगा और नीचे आपको मिलेगा एक अंडरबेली एग्जॉस्ट जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाए रखने में और वेट डिस्ट्रीब्यूशन में वेट रिडक्शन में भी मदद करता है। अब दोस्तों जो मुझे यहाँ पे बुरा लगा है वो मैं बताता हूँ कि इस सेगमेंट की गाड़ी है जो इसका कि एक्स शोरूम प्राइस है 1.49 lakhs तो इसमें और भी बेटर पावर फिगर्स देना चाहिए था और डुअल चैनल ABS देना चाहिए था जबकि आप प्राइस इतना ज़्यादा ही ले रहे हैं एक 125cc बाइक के लिए। दोस्तों इसके बारे में आपका क्या ख्याल है आप ज़रूर बताइएगा और इसका जो टॉप स्पीड है ये लगभग 110 से 120-125 तक आपको मिल सकता है और इसका जो एक्सट्रीम प्राइस कोलकाता है ये 1.49 lakhs है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड राइड सेफ।